अरे भाई ये सांड कहाँ से आ गया? अरे बचाओ बचाओ बचाओ, अरे अरे मर मर, अरे साला मरता भी नहीं, अरे मर जा। गेम तो बहुत ही मक्खन चल रहा है 60 FPS पे, यहाँ पे आपका टेम्परेचर जा चुका है 46, हीट तो ये जरूर कर रहा है भाई। हाँ, Realme 7 इसमें आपको मिलता है MediaTek Helio G95 जो कि G93 से बस स्लाइटली बेटर है, ज़्यादा कुछ आपको दोनों में डिफरेंस देखने नहीं मिलेगा। आज हम Realme 7 में गेमिंग टेस्ट करने वाले हैं, COD खेलेंगे, साथ ही में Asphalt 9 भी खेलने वाले, और हम इसका टेम्परेचर भी चेक करेंगे कितना ज़्यादा ये हीट होता है, क्योंकि बहुत से सवाल आते हैं कि G95 गेमिंग के वक्त क्या ओवर ज़्यादा हीट हो जाता है, यानी कि ओवर हीट होता है या नहीं। अब यहाँ पे हम साथ ही में इसके अंदर हाई सेटिंग्स में भी खेलने वाले, तो क्या इसमें फ्रेम ड्रॉप्स होते हैं, ये हीटिंग होने के बाद में क्या फ्रेम ड्रॉप्स करता है, सब कुछ डिटेल में आपको गेमिंग टेस्ट करके बताने वाले, तो वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको एक बेटर आइडिया लग जाए गेमिंग के लिए। अब इसके ऊपर मैंने एक ऑलरेडी रिव्यू कर रखा है जो कि आपको देखना चाहिए, अगर आपके दिमाग में कोई भी कन्फ्यूजन है कि इसका कैमरा कैसा है, अगर आप इसे बाय करना चाहते हो, इसकी बैटरी कैसी है, परफॉर्मेंस कैसा है, और इसका डिस्प्ले की ब्राइटनेस वगैरह कैसी है, तो सब कुछ मैंने डिटेल में एक ऑनेस्ट रिव्यू कर रखा है। तो अगर आपको वीडियो देखना है तो आप नीचे जा सकते हो, डिस्क्रिप्शन के अंदर वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगी, या फिर आप ऊपर आई कार्ड पे जाकर भी देख सकते हो। तो इस रिव्यू को आप जरूर से देख लें ताकि आपको एक बहुत ही बेटर आइडिया लग जाए कि आपको ये बाय करना चाहिए या नहीं। चलिए तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। चलिए तो ये रहा COD, और यहाँ पे आपको दिखा दूँ कि मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर रखा है वाईफाई के साथ में, और बैकग्राउंड में कोई भी ऐप्स नहीं है, तो क्लोज है सब कुछ। ओके, अब यहाँ पे हम COD को स्टार्ट करते हैं, और अभी जो टेम्परेचर है वो कितना है वो देख लेते हैं। तो अभी 35 है, अभी बिल्कुल नॉर्मल है, 35-37 के आसपास। बैक साइड में कितना है वो देख लेते हैं, 38 के आसपास है। ओके, और यहाँ पे बाहर का इसका टेबल का टेम्परेचर कितना है वो देख लेते हैं, 33-34, तो यानी इस एरिया का जो टेम्परेचर है वो भी 33 के आसपास है। ओके, अब हम यहाँ पे गेम को स्टार्ट कर लेते हैं, और ये रहा टाइमर। ओके, सो गेम स्टार्ट हो चुका है, और यहाँ पे हम टाइमर को भी ऑन कर लेते हैं। सेटिंग्स आपको दिखा दूँ मैं, तो सेटिंग्स में अगर ग्राफिक्स देखें तो ये रहे ग्राफिक्स वेरी हाई, और फ्रेम रेट्स भी है हाई। चलिए अब इसको हम ट्राई करते हैं। तो गेमिंग की बात करें तो बहुत ही सुपर स्मूथ गेमिंग हो रही है, और यहाँ पे मुझे कोई भी लैग और फ्रेम ड्रॉप्स देखने नहीं मिला। अब यहाँ पे गेमिंग सिर्फ 2 मिनट की हुई, तो हम आगे और देखते हैं कि ये गेमिंग कैसे करता है, हिट होता है या नहीं। तो चलिए आप देखते रहिए आगे। अब मैंने स्टार्ट कर लिया है बैटल रॉयल का मोड, अब देखते हैं कि बैटल रॉयल में इसका परफॉर्मेंस कैसे मिलता है। लैंडिंग हमने कर ली है, बाइक तो मुझे मिल गई है, लेकिन मुझे अभी जाना है 4-व्हीलर के अंदर। अब मैं जा रहा हूँ बहुत ही सुपर स्मूथ तरीके से, और गाड़ी बहुत ही अच्छी चल रही है बॉस। और ये क्या है भाई, ये क्या है, ये तो कुछ अजीब गरीब लग रहा है, देखते क्या है। ओ इतना बड़ा सांड, अरे ये कहाँ से आ गया, अरे रुक 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 रुक, अरे अरे बचाओ बचाओ यार बचाओ, ये तो मर रहा भी नहीं है, अरे मर जा मर जा मर जा, अरे साले सांड, इतना बड़ा सांड यहाँ कैसे आ गया भाई, और ये तो मर रहा भी नहीं है, और ये COD में पहली बार देख रहा हूँ मैं कि इतना बड़ा सांड भी कहीं से आता है। अरे मर जा मर जा मर जा, अरे ये तो यार मेरी हिल कम, ये तो गया, अभी निकल चुका है यहाँ से। और अभी टेम्परेचर की बात करें तो यहाँ पे 45 के आसपास जा चुका है, मैंने हाई सेटिंग्स पर खेला था, अभी यहाँ पे ये हीट हो रहा है सच में, 46 के अराउंड जा चुका है, 46 के ऊपर जा चुका है, तो यहाँ पे ये हिट तो हो रहा है। अब देखते हैं हम यहाँ पे थोड़ा और क्या करते हैं, इसकी सेटिंग थोड़ी लो हम कर लेते हैं, यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं हाई और मीडियम पे कर लेते हैं। अब तो एक सेटिंग लो कर ली, यानी ग्राफिक हाई के ऊपर, और जो फ्रेम रेट है वो मीडियम के ऊपर रखे, देखते हैं यहाँ पे क्या फ़र्क पड़ता है। तो अभी थोड़ा मुझे और ज़्यादा स्मूथ लग रहा है पहले से गेम प्ले, FPS 64 मिल रहे कमाल है भाई, और 59 तो कॉन्स्टेंट मिल ही रहे, तो लगभग 60 FPS मुझे जो है वो लगातार मिल रहा है इसके अंदर गेम प्ले के अंदर। थोड़ी एक सेटिंग आपको करना कम करना पड़ेगी, और वेरी हाई से बस आपको हाई करना है, और फ्रेम रेट जो है वो मीडियम पे रखना है, तो आपको गेम प्ले और ज़्यादा स्मूथ हो जाता है। तो ओवरऑल गेमिंग अच्छी होती है अगर आप ज़्यादा हाई सेटिंग पे खेलते हो, तो यहाँ पे ये थोड़ा हिट होता है, लेकिन फ्रेम ड्रॉप्स नहीं होते, गेमिंग अच्छी हो जाती है। अब यहाँ पे मुझे गेमिंग का इसमें सुपर स्मूथ मिला, यहाँ पे FPS की बात करें तो 60 FPS 55 मुझे मिल रहे, तो अच्छे खासे FPS मुझे मिल रहे,
लेकिन सेटिंग थोड़ी एक आपको कम करना पड़ेगा। अभी यहाँ पे हम इसका टेम्परेचर चेक कर लेते हैं, लगभग 24 मिनट का यहाँ पे गेम प्ले हो चुका है टोटली सीओडी का। यहाँ पे अगर बात करें टेम्परेचर की तो रियर साइड में कैमरा के पास 44.4, 42.3 थोड़ा नीचे 44 के आसपास जा रहा है और फ्रंट पे 43.5, तो यहाँ पे थोड़ा भी डाउन हुआ है इसका टेम्परेचर, क्योंकि हमने लो सेटिंग पे खेला था। अगर आप हाई पे खेलते हो तो फिर ये थोड़ा और ज़्यादा हिट करता है। अब हम खेलते हैं असफाल्ट 9 और इसका भी जो गेमिंग एक्सपीरियंस है वो बहुत कमाल का, आप इसे एंजॉय कीजिए। तो पूरा गेम प्ले देखिए, बहुत आपको मज़ा आने वाला असफाल्ट 9 के गेम प्ले के अंदर। तो गेमिंग हमने लगभग की है 50 मिनट के ऊपर, 52 मिनट्स। यहाँ पे आपको उल्टा नज़र आता होगा, सेल्फी कैमरा ऑन है इसलिए 53 मिनट्स आप देख सकते हो। तो 50 मिनट्स की हमने यहाँ पे गेमिंग की है, इसमें हमने सीओडी खेला है, साथ में हमने इसमें असफाल्ट 9 भी खेला है। तो बात करें इसके टेम्परेचर की तो ये स्टार्टिंग में सीओडी के ऊपर जा चुका था 46 के अराउंड इसका टेम्परेचर, क्योंकि हमने इसे हाई और एक्सट्रीम ग्राफिक्स पे खेला था। तो अगर आप मीडियम पे खेलते हो तो ये 43 के ऊपर बस 43.5 44 के आसपास जाएगा, लेकिन आप अगर हाई एक्सट्रीम पे खेलते हो तो भी 46 जाता है, 46.5 वगैरह के आसपास, लेकिन 48, 49 या फिर 50 क्रॉस नहीं करता, बाद में अपने आप भी ये डाउन हो जाता है। तो आप मीडियम पे खेलोगे तो आपको ग्राफिक्स भी अच्छी मिलेगी और फ्रेम रेट्स भी ज़्यादा मिलेंगे, साथ ही में ये ज़्यादा हिट नहीं होगा। तो स्टार्टिंग में हीट होता है अगर आप हाई ग्राफिक्स पे खेलते हो तो, लेकिन यहाँ पे इतना हीट होने के बाद भी इसके अंदर आपको फ्रेम रेट्स यानी कि आपको फ्रेम ड्रॉप्स देखने नहीं मिलते। ऐसे में भी गेमिंग का परफॉर्मेंस बहुत ही तगड़ा है, असफाल्ट 9 हो, 8 हो या फिर कॉल ऑफ ड्यूटी हो, सभी में आपको बहुत ही अच्छा गेम प्ले देखने मिलता है। थोड़ा बहुत हीटिंग होता है अगर आप हाई ग्राफिक्स पे खेलते हो तो। डेफिनेटली गेमिंग का टेस्ट आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगे वीडियो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और आपकी कोई भी सवाल तो आप मुझे कमेंट करते हो। मिलता है, बाय बाय।